अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंस्टेंट झटपट बनने वाली गाढ़ी मलाईदार रबड़ी जैसी चावल की खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके भी 2-3 दिन तक रख सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये टुकड़े वाले चावल लिए हैं, जो छोटे छोटे चावल होते हैं, और इसको मैंने अच्छी तरह से धो के 2-3 बार और आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। तो ये फूल गए हैं चावल, और आप इसे किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, लेकिन मोटे तले का होना चाहिए। ये दूध लिया है मैंने, आधा किलो दूध लिया है। पहले 2 चम्मच पानी डाल के कुकर को थोड़ा इस तरह से हिला लिया है ताकि दूध इसमें लगे नहीं, तले में जले नहीं। और जो चावल भिगोए थे आधे घंटे के लिए मैंने, उनको दूध में डाल दिया है। गैस हम धीरे रखेंगे, ये धीरे गैस में चावल उबलेंगे। तो ये ढक्कन में आपको बता रही हूँ, ये रिंग वाली जो रबड़ है ये मैंने लगा दी है, लेकिन ऊपर सीटी नहीं लगाई है। रबड़ लगा दिए, सीटी नहीं लगाई है, गैस बिल्कुल धीरे रखनी है। धीरे गैस में ही चावल उबलेंगे और इसके अंदर चावल फूल जाएंगे, जल्दी से मिक्स हो जाएंगे दूध में। इसलिए ये मैं इंस्टेंट वाली रेसिपी आज आपको बता रही हूँ, झटपट भी बन जाती है और 1 घंटे तक खड़ा नहीं रहना पड़ता। ये मैंने गर्म दूध में केसर को डिजोल्व कर लिया था और इलायची को भी मैं क्रश कर लेती हूँ अभी। ये दूध उबलने लग गया है, इसको आप इस तरह से हिलाएंगे। ये चावल अभी होने में बहुत टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो हिला के हमने देख लिया। अब ये केसर वाला दूध डाल रही हूँ, इसमें इलायची भी है, और फिर इस तरह से हिलाएंगे। और गैस धीरे कर रखी है मैंने, उबल रहे हैं चावल दूध के साथ। अब इसे हम बिल्कुल धीरे गैस पे करीब 2 मिनट तक ही, 2-2.5 मिनट तक ही इसे धीरे गैस पे उबालेंगे, और इसकी सीटी की जगह से दूध बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आपको लगे कि ऊपर तक दूध आ गया है, पता चल जाता है, तो आप गैस बंद कर दीजिए। बस 2 मिनट बाद गैस बंद कर दीजिए, वो अंदर ही अंदर उबलते रहेंगे चावल। ये मैंने बंद कर दिए गैस। ये धीरे धीरे थोड़ा सा धीरे होते हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है ये खीर। तो देखिए, ये इस तरह से मैंने 2-3 बार करा है, 2-3 बार बंद कर दी गैस और फिर जला दी 2-3 मिनट के लिए, और धीरे गैस पे देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है केसर का। और मलाईदार खीर बनने वाली है अब अपनी, और चावल भी थोड़े थोड़े गलने लगे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से बनी नहीं है खीर। तो ये इंस्टेंट खीर की रेसिपी बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये जल्दी से बन जाती है, ज़्यादा खड़े नहीं रहना पड़ेगा, 1 घंटे तक आपको उबालना नहीं पड़ेगा दूध को और खीर को। फिर मैंने गैस बंद कर दी थी और फिर जला दी है गैस, आप देख सकते हैं। अब ये धीरे गैस में फिर उबलती रहेगी खीर। अब हमको ढक्कन नहीं लगाना है। ये मेरे पास 2 पीस बच गए थे बर्फ़ी के, केसर वाली बर्फ़ी है, और ये 1/4 कटोरी दूध है, और ये काजू की कटिंग है। इनको तीनों को हम मैश करेंगे ग्राइंडर जार में। ये ट्रिक बता रही हूँ, स्पेशल ट्रिक बता रही हूँ,
ताकि इसमें बिल्कुल कंडेंस मिल्क जैसा टेस्ट आएगा, मिल्क मेड जैसा टेस्ट आएगा खीर में, और गाढ़ी हो जाएगी और आपको ज़्यादा खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, दूध को बार बार उबालना नहीं पड़ेगा। तो ये काजू भी डाल दिया मैंने और ये दूध भी डाल दिया है इसी में। ये गाढ़ा टेस्ट आएगा। तो ये ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया है मैंने, आप देख सकते हैं बिल्कुल कंडेंस मिल्क जैसा लग रहा है आपको। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स। ये खीर उबल रही है, आप देख सकते हैं धीरे गैस पे, और गाढ़ी होने लग गई है। देखिए चावल को मैं बता रही हूँ आपको, चम्मच से गिरा के चावल फूलने लग गए हैं। अब जो ये ग्राइंडर जार में ग्राइंड करा था हमने बर्फी का मिक्सर और काजू, तो ये सब डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा गाढ़ापन आएगा। अभी 3-4 मिनट तक और उबलेगी खीर, लेकिन अब हमको खुला उबालना है, इसको ढक्कन ही लगाना है खीर को, और लेकिन पास में आपको खड़े रहना है। आप किचन में कुछ भी काम करते रहिए। चावल को इस तरह से प्रेस करके देख लिया है, थोड़ी सी कसर बाकी है अभी। अभी से लुक कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं खीर का। और इसको इस तरह से जब उबाल आ जाएगा तब हम इसमें 1/2 किलो ही दूध पहले डाला था, तो अब ये 1/4 कटोरी के करीब दूध और डाल रही हूँ, क्योंकि जो अभी हमने ग्राइंड किया हुआ मिक्सर डाला था उससे और भी गाढ़ी होगी खीर, तो दूध फिर कम पड़ेगा। और अब दूध डालने से ये उफन के बाहर भी नहीं आएगी खीर, नहीं तो पहले इसलिए दूध कम डाला था ताकि वो उफन के थोड़ी सी सीटी की जगह से बाहर आ जाती है, दूध बाहर आ जाता है, इसलिए अभी ज़्यादा दूध डाल दिया है। और इसको इस तरह से ही बॉईल होने देंगे, और आप दूसरा काम भी करते रहेंगे और बार बार इस तरह से किचन में हिलाते रहेंगे खीर को, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा अभी। ये पिस्ते की कटिंग डाल रही हूँ मैं, और ये काजू की कटिंग भी डाल रही हूँ। कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं फ्रेंड्स, बादाम वगैरह कुछ भी ले सकते हैं जो आपकी पसंद हो। इस तरह से बार बार हिलाएंगे और खीर उबलती रहेगी जब तक आप दूसरा काम करते रहिए किचन में। ये मैंने शक्कर डाल दी है, 1/2 कटोरी के करीब डालिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, कम डालिए चाहे ज़्यादा डालिए। और इसको इस तरह से हिलाएंगे और फिर उबलने देंगे करीब 3-4 मिनट तक, बिल्कुल धीरे गैस रखनी है। और बार बार हमको इस तरह से, पहले तो हमने बार बार 2 मिनट के लिए गैस बंद करी थी, 2-3 मिनट के लिए, और फिर जलाई थी। इस तरह से 3-4 बार करेंगे पहले, और बाद में हम ढक्कन खोल देंगे जब शक्कर डालने के बाद में और दूध डालने के बाद में, बिना ढक्कन के इस तरह से उबलती रहेगी खीर, तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, गाढ़ी मलाईदार और बिल्कुल रबड़ी जैसी खीर बनेगी। इस तरह से बार बार हिलाते भी रहिए, मिक्स करते रहिए। गैस धीरे है हमारी, पास में खड़े रहना है आपको, बिल्कुल अलग नहीं हटना है यहाँ से। और आप दूसरी गैस पे वैसे सब्जी वगैरह बना सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन खीर का ध्यान रखिए, इसको नीचे तले में भी नहीं जलना चाहिए। और इस तरह से उबलेगी तो देखिए टेक्सचर कितना अच्छा आया है खीर में, आप सर्व करके बता रही हूँ, गैस बंद कर दिए, देखिए गाढ़ी बिल्कुल मलाईदार और
रबड़ी जैसी खीर बनके तैयार है। और इसके ऊपर मैंने डेकोरेशन कर दिया है चांदी के वर्क का, बहुत ही अच्छी लग रही है खीर और मेहमानों को तो बहुत पसंद आएगी। गेस्ट के आने से पहले आप इंस्टेंट खीर इस तरह से बना सकते हैं, और कई बार हमारी बर्फ़ी बच भी जाती है तो आप इस तरह से बनाइए और दूसरे दिन और तीसरे दिन भी फ्रिज में रख के आप खा सकते हैं। ठंडी ठंडी खीर तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये चावल की इंस्टेंट खीर आप बनाइए, खाइए, खिलाइए और ये कमेंट कीजिए प्लीज़ कि कैसी लगी खीर। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।